Hey guys, welcome back to my channel, Roller Coaster Life. तो आज है 11th of November और आज हमारी सुबह की शुरुआत थोड़ी लेट हुई है. सुबह 6 बजे यहाँ ने उठाया था, 6:30 का अलार्म लगा के सोई थी, लिटरली बता रही हूँ आधा घंटे का, बट सुना ही नहीं दिया. 8 बज गए उठते उठते. तो उसके बाद सुबह के सारे काम हो चुके हैं, यहाँ का मालिश, नहाना धोना सब हो चुका है, नाश्ता हो चुका है, चाय हो चुकी है, बट खाना रह गया है मेरा बनना. तो अयान की रॉकिंग चेयर लगा दी मैंने पीछे टेबल पे एंड यहाँ हमारी होगी खाने की प्रिपरेशन. बड़ी मुश्किल से सुलाया है उसको. आई डोंट नो, इन दिनों ना वो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, वो बहुत स्लीप रिग्रेशन, मतलब उसको नींद आ रही है बट सो नहीं पाता है. एंड आज ना मैंने पहली बार उसके साथ लुलबाई का यूज़ किया है, मतलब एक बेबी कामिंग म्यूजिक होता है. मैंने तो मैं ये सोचती थी कि क्यों यूज़ करना है जब आप सुला सकते हो बच्चे को, तो बट ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. या एक्चुअली मतलब आपको नहीं समझ आता जब अब तक आप उस शूज़ में पैर नहीं डालते. मुझे अब समझ आया इन चीज़ों का इन्वेंशन क्यों हुआ था. वेन यू आर अलोन एंड नो वन इज हेयर टू हेल्प यू आउट विद अदर वर्क, तो आपको ऐसा लगता है कि जिस भी तरीके से बच्चा सो सकता है, वट एवर इज हेल्पिंग यू वो आप करते हो. मैंने इसको याद है स्टार्टिंग में, मतलब ना जब 1 महीने का था बहुत रोता था, कई बार समझ नहीं आता था क्यों रोता है, तो वाइट नॉइज़ करके होती है. लिटरली मैंने वो भी थोड़ी बहुत सुनाई थी, मतलब हम दोनों ने ही सुनाई थी. इट्स लाइक जब बहुत रोता था ना वो सुनाते थे तो वो थोड़ा चुप हो जाता था, चुप होता था तो उसको बंद कर देते थे. बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ किया है. आज भी मैंने मतलब शायद फर्स्ट टाइम इस चीज़ का यूज़ किया बिकॉज वो बिल्कुल नहीं सो रहा था और मुझे बहुत सारा काम करना था. सो इट्स 5:47 इन द इवनिंग और मैं ना किचन में घुसने से पहले, आई मीन डिनर की प्रिपरेशन करने से पहले सोच रही हूँ कि मेरे रामू को काम पे लगा दूँ. बट उसको काम को काम पे लगाने से पहले मुझे थोड़ा सा ना, आई मीन अगर क्या है ना, ये मोटा कचरा आपको हटाना पड़ता है, प्लस अगर आपके कोई सामान ऐसे हैं तो ये आपको हटाने पड़ते हैं. फर्नीचर अगर कुछ बीच में आ रहा है भी आपको हटाना पड़ता है, तो ये हटाते हैं और फिर मैं बताती हूँ मैं रामू से कैसे काम करवाती हूँ. इसमें ना फीचर दे रखे हैं, इसको दबाऊँगी तो वो ऑटोमेटिक कर देगा, इसको दबाऊँगी तो जैसे स्पायरल होता है ना, चारों तरफ स्पायरल होके बीच में आ जाएगा, इससे ये खाली एजेस एजेस पे कॉर्नर्स जो होते हैं उस पर काम करेगा. और अगर मैं इसको दबाऊँगी तो सांप की जैसे राइट लेफ्ट भी करके बताती हूँ वैसे रेंगेगा. तो जनरली मैं ये फीचर काम में लेती हूँ. उसको मैंने पॉज किया है बट या तो पहले देख लो फिर बात करती हूँ. सो दिस इज द वेरी नेक्स्ट डे, 12th of November और मैंने ना हमारे पतिदेव से, जो कि रात में बोलते हैं मैं ऑफिस जाऊंगा, मैंने पूरा लंच प्रिपेयर किया है ना, किया ना. हाँ अयान भी एग्री करे. फिर तो बट टिफिन पैक करने से पहले मैंने कंफर्म किया ऑफिस जाओगे, ही सेड हाँ मैं 15 मिनट में निकल रहा हूँ. ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया, लंच पैक किया, और अभी क्या बोल रहे हैं ऑफिस जाना मुश्किल है. तो मैंने कल आपको मेरे रामू से इंट्रोड्यूस कराया था ना, तो वो बेसिकली रोबोट वैक्यूम है. एंड अभी हमने वो लिया था, बहुत अच्छी सेल चल रही है यहाँ पे, तो 50% ऑफ में ले लिया था. एंड अभी भी वो मेरे पास ट्रायल वर्जन पे ही चल रहा है, मतलब आई माइट रिटर्न दैट अगर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, तो जो भी होगा आपको पता चल जाएगा. बट स्टिल इट्स क्वाइट हेल्पफुल टू मी बिकॉज ना बाहर वैक्यूम, एटलीस्ट मोटा मोटा कचरा जो भी होता है वो वैक्यूम से होता रहता है और मैं अंदर अपना काम करती रहती हूँ. बट एजेस वगैरह पे, या फिर आप बोलो कि सोफे के नीचे से अपने को लेना है या ओनो कोने से लेना है जो अपने को प्रॉपर सफाई चाहिए होती है, वो इस वैक्यूम से नहीं होता. तो फॉर इंडिया, मतलब इंडिया से अगर कोई मेरे को देख रहा है और वो सोचे ये लेने का, तो आई वोंट सजेस्ट बिकॉज यू आर हैविंग वेरी रीजनेबल मेड्स ऑप्शन अवेलेबल जो सफाइयाँ भी प्रॉपरली कर देती है. यहाँ पे इट्स लाइक मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं एक बार झाड़ू निकाल लेती हूँ, आई मीन जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं झाड़ू निकालने की कोशिश करती हूँ कि प्रॉपर सफाई हो जाए. बट स्टिल अभी तक के लिए लाइफ सेवर है और आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको रखने वाली हूँ या नहीं. बी अवेयर वॉट यू आर सेइंग, यू आर ऑलवेज ऑन कैमरा. सो गया यार. और पता है सोया कैसे, सुनो सोया कैसे, मतलब लिटरली बता रही हूँ, मैं तो सोच रही थी फिर इससे बात करते करते कि इसकी मालिश करके इसको नहला देती हूँ,
और मेरी गोदी में बैठा था, और गोदी में बैठे बैठे देखो देखो ऐसे ऐसे मतलब ऐसे बिना झूला डाले, मतलब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि सो गया इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट जब उसको नींद आए और ये हमेशा ऐसे ही सो जाए तो मतलब कितना अच्छा हो कि अपने को मेहनत ना करनी पड़े, बच्चे को नींद आए आराम से सो जाए। बिना मेहनत तुम पाल लो बच्चों को ना। ऐसा थोड़ी ना यार, मेहनत बिल्कुल नहीं करते। सुलाने के लिए क्यों रोना, मतलब सोने के लिए क्यों रोना, ये समझ नहीं आता। और ये खाया जा रहा है ब्रेकफास्ट जो कि पैक हो चुका था ऑफिस जाने के लिए, मगर हम ऑफिस लेट उठा था मैं क्योंकि जो भी है उठे तो जल्दी थे, आलस कर रहे थे। रात को लेट सोया था क्योंकि गेट लिटल एक्स्ट्रा टाइम, यू गेट लिटल एक्स्ट्रा वर्क टू बी डन, ऑल दो ये मैं सभी क्लियर करना है, बट ऐसा लगा है यहाँ से हो रहा है, खाना बना हुआ है तो एक्स्ट्रा के भी थोड़े काम कर लिए जाएं। एंड मैंने ना वीडियो डाला था कि स्टार्टिंग डेली ब्लॉग्स, तो डेली ब्लॉग्स इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोज़ाना वीडियो डालूंगी, बट आई विल ट्राई कि जैसे मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन मैं वीडियो डाले जाऊँ। आई होप आप लोगों को ये जर्नी मेरे साथ पसंद आ रही होगी। मेरे पास ना 3 वीडियोस बने हुए हैं, एक मैं न्यूयॉर्क के जैन मंदिर गई थी वो वाला है बने हुए हैं, मतलब मेरे पास वीडियो शूटेड हैं, एडिट करना बाकी है। न्यूयॉर्क के जैन मंदिर गई थी एक, वहाँ का एक, मेरे मम्मी पापा एक बहुत अच्छी जगह जाकर आए थे, वहाँ का मंदिर बहुत सुंदर था और कहते हैं वो मंदिर उड़कर आया था। मैंने उनको बोला था वहाँ का वीडियो शूट करना, उन्होंने मेरे लिए वो वीडियो शूट किया है, तो वो वाला। और एक मेरा लास्ट वेगस जो वेकेशन वाला ट्रिप था उसका लास्ट एक व्लॉग मैंने अब तक एडिट करके नहीं डाला बिकॉज व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते। तो अगर आप लोगों को वो वीडियो देखने हो या आपका मन हो देखने का तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना, मैं उनको पहले एडिट करके डाल दूँगी। उसके अलावा मतलब मेरे पास कमेंट्स आए, सब मेरे को मना कर रहे हैं, आप लोग मना कर रहे हो कि मैं बाल नहीं कटवाऊं। एक्चुअली मेरे बाल कटवाने का रीज़न ये है कि मेरे को लिटरली कॉम्ब करने का टाइम नहीं मिलता, और देखो यार कितने गंदे अनटाइडी से लगते हैं, मतलब लिटरली नहीं मिलता, मतलब थोड़ा सा एक्चुअली मिलता भी है तो मैं ये एक्स्ट्रा के काम करने लग जाती हूँ, तो मे बी मैं मेरी गलती भी नहीं बोल सकती, वो काम भी बहुत ज़रूरी है, बहुत टाइम से पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कटवाने की। तो अभी तक मैंने अपना माइंड नहीं बताया, मतलब एक्चुअली देखो नेल्स भी काटने हैं, आयान के साथ ना इतने बड़े नेल्स नहीं रख सकती, तो बहुत सारे छोटे छोटे काम हो जाते हैं, तो मुझे लगता है शायद जो काम कम हो जाए मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया तो कॉमेंट करके बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और मुझे बताना आप लोगों को वो वीडियो देखने का, तो मैं एडिट करके वो डाल दूंगी। एंड डेली ब्लॉग मीन्स मे बी ऑल्टरनेट डे या 2 दिन में एक ब्लॉग, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।